अरे भाई छोड़ दे यार, अरे कितना मारोगे भाई, कितना? यही दंग करा था ना, माफी मांग। आईने नहीं मैं करूंगा मैं। चल तीन महीने का किराया निकाल। हाँ 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 दे रहा हूँ, जल्दी निकाल। हाँ कितने है ये? 6 महीने के। बाकी 6 महीने का तेरा बाप देगा? बाप क्यों देगा, मैं दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो ना यार। चल ठीक है कोई नहीं, टाइम दिया। आपको चाहिए थे पैसे तो मुझे बोल देती। भाई हूँ भाई, भाई किसको बोल रहा है? मतलब कि मैं भाई हूँ ये नहीं है। ये क्यों को? तेरा फुप्पा है ये सवालात कर रहा है। चल आंजा टाइम से। हाँ थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज। बकवास बंद करो, तुम हीरो बन रहे थे क्या? बकवास हो रही है ये, हम तो मदद कर रहे थे। तो बाप लगते हो मेरे। देखिए भाभी, मेरा मतलब है भाजी, इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो लातों के भूत होते हैं। अबे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मुनव्वर। मुन्नू चुप, बिल्कुल चुप, साइड पे खड़े हो तुम। ज्यादा बोले ना ऐसा लाफा मारूंगे कि सारे तबक रोशन हो जाएंगे। क्या कर रहे थे तुम? दिमाग विमाग काम करता है तुम्हारा? वेरा हम तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई तुम ना मुझे मेरा किराया टाइम पे दे दिया करो, इतनी ही मदद काफी है। निकलो यहाँ से, निकलो। सॉरी। चलो निकलो। ओ हीरो बेटा तुम भी अब मेरी किस्मत में आ जाते हैं भैंस। नेकी का तो जमाना ही नहीं है यार। मेरी दादी मरहूमा कहती थी 21वीं सदी करो नेकी हो बदी। अब उस बात का मतलब समझ में आ रहा है। फिर तेरा ही आइडिया था ना कि जाके उस दुकानदार को मारूंगा तो हीरो बन जाऊंगा उसके सामने। तेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। बात सुन, आइडिया मेरा बिल्कुल ठीक था, भाभी का रिएक्शन गलत था। उनकी जगह कोई और लड़की होती ना, तेरे प्यार में यूं पिघल जाती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। चुप कर यार। क्या हो गया? मम्मी का फोन है, चुप रही। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। तो मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आप खुदा ना खास्ता लावारिस नहीं हो। आपके वालदैन अभी हयात हैं और माशाल्लाह से सेहतमंद हैं। जी याद है कि भूल गए? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब है कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अरे तुम तो ऐसे गायब हो जाते हो जैसे गधे के सर से सींग। कभी फोन ही कर लिया करो, याद नहीं आ रहा कि माँ भी जिंदा है और बाप भी जिंदा है। अम्मी वो ऑफिस के कामों में मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका। अरे चलो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मसरूफ रहते हो, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मसरूफ रखे। लेकिन फिर भी बेटा इंसान को कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन कर लेना चाहिए। क्यों? सॉरी अम्मी आइंदा नहीं होगा। हाँ चलो भाई, तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने तुम्हारी शादी की बात ना अपनी भांजी रुखसाना से तय कर दी है। क्या? हेलो। हाँ वो हमजा, आवाज आ रही है बेटा? अम्मी हेलो, आवाज आ रही है अम्मी आपको? आवाज आ रही है आपको? ये तुम्हारी आवाज के साथ शोर कैसा है? अम्मी सिग्नल का बड़ा मसला है। हेलो अम्मी जी आंटी मुझसे बात करें, नेटवर्क आ रहा है। नहीं नहीं आंटी बात करें। जी जी आंटी जी। अबे फोन कट चुका है यार, मजाक कर रहा हूँ, परेशान क्यों होता है? पागल है, जान निकाल दी तूने मेरी। हाँ एक और आ गई है। अबे तुझे क्या हो गया? रिश्ता पक्का कर दिया अम्मी ने मेरा रुखसाना से। हैं? अभी रुखसाना कौन है? अमरीका वाले मामू की बेटी। तेरी अब क्या करेगा? क्या करूंगा, अब फोन को ना ऑफ कर देता हूँ। जब तक यहाँ के मसले हल नहीं होते ऑफ रखूंगा, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा फोन ऑन कर लूंगा। मेरे भाई तुझे ना सख्त नजर लगी हुई है, मेरी बात माने काला सिया बकरा लेके ना सदका कर दे। चुप कर यार। अबे देख ना एक के पीछे एक मुसीबत आती जा रही है, तो तुझे तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। तू एक काम कर, तू अपनी ये चोंच हिलाने के बजाय ना इस झूले को हिला और मुझे 5 मिनट सुकून करने दे, ठीक है? सांस
जा मेरे मुन्ने, रात हो गई आशिकी आशिकी फेल हो गई, सो जा मेरे मुन्ने, रात हो गई रात हो गई रात हो गई। अय है, क्या बताऊं क्या बताऊं, मैं तो कहती हूं उन लड़कों ने कमाल किया उस नामुराद इकबाल को पीट के। अरे मेरा तो दिल था कि हाथ पांव तोड़ दें उसके, लंगड़ा लूला कर दें, तब मेरे कलेजे में जाके ठंडक पड़ती। अम्मा खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रही हैं, ये कोई अच्छी हरकत नहीं हुई। और हमजा को ना हमारे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत भी नहीं थी। अरे हमें तो किराए की वसूली से मतलब था ना, है 6 महीने का किराया निकल आया ना, कोई मामूली बात तो नहीं है। अम्मा पर तरीका तो गलत था ना। कौन सा तरीका? इकबाल को मारने का तरीका। अरे कौन इकबाल? माँ हमारा किराएदार। हमारा किराएदार इकबाल? हाँ है, क्या हुआ उसको, किसने मारा है उसको? हमजा ने मारा है ना अम्मा उसको। अब ये हमजा कौन है? लो जी फिर भूल गई। छोड़े आप, क्या कहने आई थी? मैं ये कहने आई थी कि लो दिमाग से एकदम निकल गया, पट हो गया है दिमाग। आए है, सोच के आती हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अम्मा नहीं, मुझे कोई नहीं देखने विखने आ रहा। क्या बात कर रही है, वो रिश्ते वाली ने ऐसा उमदा रिश्ता दिखाया है, बताया था मुझे, मैंने कह दिया फौरन हाँ कल भेज दो। अम्मा मैं आपको साफ बता रही हूँ, उनको मना कर दें, यार हजार मसले मेरी जिंदगी में और है, मैंने नहीं करनी शादी। अरे मसले मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा है, पर देखना मैं तो परेशान होती रहती हूँ तेरी शादी की तरफ से, अपनी जिंदगी में ही तेरे हाथ पीले होते देखना चाहती हूँ। बस मैंने कह दिया है उनसे कि तुम लोग कल आ जाओ, वो लोग कल आ रहे हैं तो तू तैयार रहियो। मैंने नहीं करना ना। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, बस अब मैं कुछ नहीं सुन सकता। अम्मा हो गई साहबजादे से बात? अरे क्या खाक बात हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, शायद कोई सिग्नल के इश्यूज थे, बात ही नहीं हो पाई, अल्लाह जाने क्या मुसीबत है। दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, आप पर कोई पाबंदी तो है नहीं? कर रही हूँ ना, साहबजादे ने अपना फोन ऑफ कर दिया है। अच्छा बच्चा होशियार हो गया है, हाँ तो दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। वैसे बेगम ये हमजा से पूछे बगैर उसके रिश्ते की बात कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? मेरा मतलब जवान लड़का है, कोई गाय बैल तो है नहीं, आपने उससे राय लिए बगैर ही अपने भाई से बात कर ली रिश्ते की डायरेक्ट? माँ हूँ उसकी, उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगी भाई। भैया आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले, शादी के फैसले खुद करना चाहते हैं। और वो जो अपनी मर्जी की शादी करने के बाद के नताइज भुगतने पड़ते हैं ना, वो मैं कम से कम कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती। आ बेगम अब रिस्क तो दोनों तरफ है, वो कहते हैं ना कि शादी एक जुआ है, अब हम ही को देख लें। खुशी खुशी ये जुआ हार दिया। क्या मतलब? हाँ नहीं वो मतलब ये है कि इंसान शादी कर ले तो फिर निभाता तो है ही ना हंसी खुशी। अरे यही वजह तो है, हमजा मेरी अकलौती औलाद है, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, उसकी शादी अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि मेरी भांजी से ज़्यादा अच्छी लड़की उसके लिए कोई है ही नहीं, रुखसाना बेस्ट चॉइस है उसके लिए। जाहिर है आपके भाई की बेटी जो है। और अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं शाहिद साहब, ये जो आपके अंदर का रंगीला बार बार सर उठाता है ना,
बेहतर होगा कि उसका गला आप अपने हाथ से घोंट दे। नहीं जे मेरा मत्था कुम गया ना तो फिर पता है तुहानू इत्थे रख। जी जी फिर से अम्मी के फोन आने लग जाएंगे, वही शादी की बातें। मेरा इस वक्त जो है ना हालात ठीक नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। ये किस खुशी में? वो मेरे अब्बा वकील है ना, बताया था ना आपको, तो वो एक साल से एक केस लड़ रहे थे, इतना मुश्किल कोई फैसला ही नहीं आ रहा था, तो कल वो केस जीत गए। अरे वाह वाह वाह, बहुत मुबारक हो आपको, पहली दफा जीते। इस मतलब खराब में मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ और। अरे मतलब छोड़, क्या फर्क पड़ता है, वैसे आप भी ना बहाने ढूंढती है खिलाने पिलाने के। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके अब्बा केस जीते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना, लेकिन देखें आप हमारे लिए मिठाई लें। तो ये मिठाई मैं आपके लिए तो नहीं लाई है, तो मैं हमजा के लिए लाई थी। तो अब मैं ये खा लूं या रख दूं? अब उठा लिया तो खा ले। आराम आ गया। ये रख, मीटिंग के लिए जाते हैं। ये बात तो बॉस पूछेंगे तो बताने। हाँ बता, जा जा। मैडम आपके खिलाफ कंप्लेन ये है कि आपने होंडे भिजवा कर इकबाल स्टोर वाले को पिटवाया है। हाँ तो वो कमबख्त मारा है इसी काबिल। अम्मा आप तो चुप करें। क्या हुआ सवेरा? तुम्हारी ही मेहरबानी है, कंप्लेन कराई है उस कमीने इकबाल ने। और इन्होंने कुछ नहीं किया, मारा मैं नहीं था, जाके मुझे अरेस्ट कर लें आप। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, लगाएं इसको हथकड़ी, इसने ही मारपीट की थी। हमारा ताल्लुक शरीफ फैमिली से है। क्या? अल्लाह ना करे आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि हमारा खानदान बहुत शरीफ है, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं, कानून को हमेशा हम ऊपर रखते हैं और तशद्दुद करने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं। अरे हमारे तो पूरे खानदान का मोटो ये है, नो वायलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह ओनली रोमांस। नदीम हथकड़ी लगाओ, उसे साथ लेके चलो। हेलो कौन? हमजा? क्या पुलिस पकड़ के ले जा रही है? लेकिन अच्छा अच्छा तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं, सब्र कर। हाँ मैं कुछ करता हूं। ओके ओके ओके, क्या करूं? ठीक ठीक। अफशा जी मुझे आपसे काम है। करें। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ पे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बाकी का काम कल करूंगी। अरे नहीं नहीं मैं आपको काम नहीं दे रहा, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसे हेल्प? वो आपने कहा था ना कि आपके वालिद साहब वकील हैं। हाँ है तो, हाई कोर्ट के वकील हैं। तो क्या वो हमारी मदद कर देंगे? क्या वो हमजा को ना पुलिस पकड़ कर ले गई है। हमजा को पुलिस? किस केस में? वो लड़की के चक्कर में। लड़की के चक्कर में? अरे नहीं 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 वो वाला चक्कर नहीं है, असल में जो उसकी मालिक मकान है ना वो एक लड़की है, उसका कहीं फड्डा हो गया, हमजा ने जाके हेल्प की, वो हमजा को उठा कर ले गए, मलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। अच्छा ठीक है करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ मेरा फोन कहाँ है? वो रखा वो रखा।
पर इन्होंने कुछ नहीं किया, मारा मैंने ही था जाके। मुझे अरेस्ट कर लें आप। मैं उस उल्लू के बट्टे के बारे में क्यों सोच रही हूं? ओहो भाई, देखो ना, मैं बिल्कुल ही भूल गई क्या कहने आई थी। हैं? वो आहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी जवानी में ऐसी ही हसीन थी। वैसे भी जब बच्चियां माओ के कद से ऊपर हो जाए ना, तो उनसे प्यार और बढ़ जाता है। उन्होंने रुखसत जो होना होता है। किस काम से आई थी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं क्या? क्या हो गया अम्मा? इसलिए मैं आपको कहती हूँ दवाइयां टाइम पे खाया करें, आपने ही तो बुलाया था उन्हें। हाय, तो वो आने वाले हैं। देखो शाम भी होने वाली है, तू अच्छी सी तैयार होके आ जाना मेरी बच्ची। मैं किसी को दौड़ाती हूँ बेकरी, ताकि वो बेकरी की जितनी भी चीजें हैं, समोसे पकौड़े जलेबी, सब लेकर आ जाए। हाँ अरे भाई, बहुत काम पड़ा है, देखो फिर ना भूल जाऊं इससे पहले। जिंदगी में ना 600 तरह के अजाब है मेरे, सबके बीच में अम्मा बेचारी के जो यादाश का मसला है ना, ये मेरी समझ से बाहर। मैं भी कल्ला तू भी कल्ला, आजा करिए अल्लाह अल्लाह। जे तू टुरया इश्क दरसते हो जानिए, तौबा तौबा तौबा। क्या करके आया शहजादा? मारपीट। इसको मारा पीटा है भाई ने? हाँ कोई। लड़की का चक्कर है ना, है ना? वो इसकी मोरनी भी कुले के भाग है। तुम्हारे जैसे सोने मुंडों का मसला ही ये है कि तुम लोग मोरों की तरह पहले डालते रहते हो, मोर कोई और ले जाता है, है ना? ले गए इसकी मोर नहीं कोई। एक और हो गया ला। आपने क्या किया? क्या लगता है मैंने क्या किया? मेरी आंखों में देख के बता क्या किया होगा मैंने। आंखों में देख के तो लग रहा है चार्ज के साथ पकड़े गए थे। क्यों लाल हुई? मैं खरगोश भी तो हो सकता हूँ, इसकी आंखें भी लाल होती हैं कि नहीं? आंखें लाल नहीं होती खरगोश की? कत्ल किया है मैंने, मेरी ना मोरनी लेके दौड़ना था, वो मूर्ती से ही पकड़ लिया मैंने तो पूछ दिया उतरी। ब्याह हुआ तेरा? नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, है कि नहीं? क्यों? ना हो घर की चिकचिक ही नहीं है, ना फोन आना तुझे, ना बच्चे रोएंगे। अच्छी बात है, दोनों भाई इधर जेल में बैठ के मौज करेंगे। दोस्ती कर ले मेरे साथ। पागल पागल हो गया, मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती। नहीं करनी दोस्ती?
कर ले। या अल्लाह, इसकी जमानत करा दे, नहीं तो ये मेरे हाथ से। हमजा कौन है? मैं हूँ, मैं। चलो तुम्हारी जमानत हो गई। बस ये इतनी जल्दी सुन ली। जय तू तुरया इश्क दे रस्ते ओ जानिए तौबा तौबा। सुन ले गुलाबी, तौबा तौबा हो जानी। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें कम है, वरना आजकल की लड़कियां खूबसूरत होने के लिए पता नहीं कितने टीके लगवाती हैं, सर्जरियां करवाती हैं, मगर मेरी बच्ची इसका हुस्न कुदरती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, आपको मेरा बेटा कैसा लगा है? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, आया नहीं आपके साथ? ये मेरा बेटा ही है। उई, ये देखो तो अजीब सी बात है। यकीनन किसी अच्छी जगह से तस्वीर खिंचवाई होगी तुमने। क्या मतलब है आपका? सच बताऊं तो इसे देखकर पहली दफा ऐसा लगा मुझे कि कोई सेल्समैन आया है। मैं तो डांट के भगाने वाली थी, पीछे से आप निकल आई। बहुत मजाक करती हैं आप। लो। अरे नहीं नहीं, अम्मा की तो आदत है मजाक करने की। वैसे बेटा आप भी पार्लर जाया करो। मैं? हाँ हाँ, वो लड़कों वाला पार्लर होता है ना, जरा फेशियल करवा लिया, भाप ले ली, मुंह रगड़वा लिया, उससे जरा फ्रेश हो जाता है चेहरा। आपकी अम्मा फिर से मजाक कर रही है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैं तो अगर ये बताता नहीं कि ये आपका बेटा है, मैं तो इसको ऊपर के कामों के लिए मुलाजिम रख लेती फौरन। नहीं नहीं आंटी, अम्मा का मतलब है सरकारी मुलाजिम। मैं तो कुछ और ही समझी थी। मेरे बेटे का अपना कारोबार है, कपड़े की शॉप है उसकी, उसके पास तो 3-4 मुलाजिम है। अच्छा, एक पहले भी रिश्ता आया था इसी तरह हमारे यहाँ ना? जी जी। तो बड़े अच्छे लोग थे, लड़का भी अच्छा शक्लो सूरत का था, तो उन्होंने बताया कि लड़के का कारोबार है लकड़ी का। लो भाई, जब तहकीक करवाई तो पता चला कि मिसवाकें बेचता है। बहुत मजाक करती हैं। परेशानी तो बहुत होती होगी लोगों को। क्यों? वो इसलिए कि पता ही नहीं चलता होगा कि मुलाजिम कौन है और मालिक कौन है। काफी आदत है आपको मजाक करने की। वैसे अब बुरा ना मनाए तो लड़का लड़की आपस में अकेले में बातचीत कर लें, क्योंकि जिंदगी इन्होंने गुजारनी है, तो अच्छा है ना एक दूसरे को समझ लें। वैसे बुरा मनाने वाली बात तो नहीं है ये। हाँ ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं है, इनसे मिल लो अकेले में, इनसे कोई बात नहीं। बेटा जाओ आप। यस मम्मी। हैं? कम ऑन बेबी। बहन जी, आपका जो बेटा है इसकी शक्ल आपसे तो नहीं मिलती, अब्बा से मिलती है? जी उनसे भी नहीं मिलती। भाई तो पता करवाओ कि अस्पताल में बदल तो नहीं गया। ये लें आप जरा। हमारा तो घर है, आप ही खाएं। चले। चल आजा भाई, तेरी आजादी का परवाना आ गया है, साइन कर और निकल यहां से। मोहसिन जाओ चाय ले आओ मेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब ये आपके लिए। रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं है, मिठाई है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके दिल की मुराद पूरी करे। आमीन। तुम भी तो कुछ कहो ना। थैंक यू अफशा। थैंक यू? क्यों? जमानत कराने के लिए। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मेरे अब्बा ने किया है, बताया था ना वो पेशेतन वकील है।
देखिए वो एक ही बात हुई ना, वो मेरी मदद ना करते अगर मैं आपका दोस्त ना होता। आपकी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। वो हैं किधर अब्बा, मैं उनको एक दफा थैंक यू बोल दूं। अब्बा हाँ। वो उनको जल्दी में जाना पड़ा, किसी से मिलना था उन्हें, तो वो तो निकल गए। ओह आप उनको प्लीज मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। और वो मुनव्वर कहाँ है, मेरे दोस्त मुनव्वर? वो पुलिस स्टेशन के बाहर तक तो आए थे, फिर वहां से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे मेरी जान, मैं कहीं गायब वायब नहीं हुआ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तुझे पता है ना मुझे इनसे थोड़ी सी एलर्जी है। अस्सलाम वालेकुम सर। किधर था? मैं इधर ही था, लेकिन अंदर आने से डर रहा था क्योंकि उसको मैंने तुझसे ज्यादा मारा था। ओ, याद आया, ऑफिस के नंबर पे आपकी अम्मी की कॉल आ रही थी, कह रही थी कि आपको सुबह से ट्राई कर रही है लेकिन आपका नंबर ऑफ जा रहा है। तुमने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मैं तो नहीं बोला। हाँ, चिक चिक, चल अल्लाह, ये कितना क्यूट है और मैं कितनी शर्मीली। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? पतंग उड़ा लेती थी, खंचे वगैरह खेल लेती थी, और जब दिल नहीं लगता था ना घर पे तो गली में निकल जाया करती। वाह, आप ये सब करती हैं? खेलती थी। आपने कभी पतंग उड़ाई है? नहीं नहीं, अरे बहुत उड़ाई है, एकदम टापो टाप। और क्या शौक है आपके? एक्टिंग का शौक था पर कभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ पूरा नहीं हुआ। मुझे है ना शोबिज में काम करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? अच्छे घर से नहीं होती ना। इसका मतलब है कि आप भी टीवी ड्रामास नहीं देखते होंगे ना? नहीं, मैं तो सारे ड्रामे देखता हूँ। हाँ अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप भी नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो अच्छे घर से नहीं होती तो जो देखने वाला है वो भी तो अच्छे घर से ना हुआ ना। अच्छा ये बताए, कभी इश्क किया है? क्यों पता करना पड़ता है ना, पास में कोई था क्या? ओ, तो पास्ट को जाना है या मेरे साथ फ्यूचर की प्लानिंग करनी है? फ्यूचर पे पास्ट का गहरा असर होता है सवेरा, इसलिए सब मालूम करना पड़ता है। अगर इश्क की बात करें तो इश्क तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर मोहब्बत की बात करें तो चलिए राउंड ऑफ फिगर 10 कर लें, 10 बार तो हुई होगी। आप बताएं, आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर घबरा क्यों गए थे आप? वैसे भी आप तो मर्द है ना, आपको तो 4 शादियों की इजाजत है। अच्छा आप मुझसे कुछ मेरे बारे में पूछिए ना। क्या बता, वो बताया ही नहीं। अरे मैं हॉबीज का कह रहा हूँ। क्या हॉबीज है आपकी? क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अच्छा किस टीम से खेलते हैं आप? अरे नहीं नहीं, खेलता नहीं हूँ, देखता हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे तो ना लजीज लजीज खाने खाना पसंद है। आप तो जो भी बनाएंगी बहुत लजीज ही बनाएंगी। नहीं बनाना नहीं, खाना पसंद है। वैसे आप भी अपनी मम्मी की तरह बहुत मजाक करती हैं। नहीं मजाक करने की आदत तो सिर्फ अम्मा को है, मैं तो जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सीरियस होकर बोलती हूँ। तो ये बताएं कि मैं आपको कैसा लगा, अम्मी को बोल दूं फिर? ओके कम ऑन डार्लिंग, यस फॉलो मी। बड़ी देर हो गई तखलिया की मुलाकात को, आए नहीं अभी तक। बस दुआ करें मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ जाए। अरे तो क्या शहजादा सलीम रख के लाइयो पर्स में? लो 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 वो आ गए।
माशाल्लाह। बेटा कैसी लगी लड़की आपको? ये तो गुलाब की पंखरी जैसी। मम्मी मुझे लड़की पसंद है, सौदा डन करें। लगता है सौदा पटा नहीं। अरे खाइए ना, ये लीजिए आप। बहुत मजे के समोसे हैं, आपने खुद बनाए? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं घर में थी नहीं। जी नहीं, वो अम्मी को असल में नहीं पता, बाजार से मंगाए। आप भी लेना। ना ना, मैं ये गंद बला नहीं खाती। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए, हमने जल्दी से पेस्ट्रियां मंगवा ली। मैंने कहा ये कैसी पेस्ट्रियां लाए हो, पर कीड़ों का सा डिजाइन बना हुआ है। मेज पे रखी पेस्ट्रियां, लो भैया कन खजूरे चल पड़े, ये समोसा, पता नहीं इसमें चिकन है भी कि नहीं, चूहा मरा हुआ पड़ा है, ये कुत्ते का कीमा है या गधे के कानों का डाला हुआ है बना के चॉप करके, आप खाइए। नहीं नहीं अम्मी की मजाक करने की आदत है, आपको बताया ही था, बिल्कुल ठीक है, आप खा लें प्लीज। नहीं नहीं बेटा बस बहुत हो गया। एक बात पूछूं आपसे अगर बुरा ना मनाए? हाँ जी पूछिए। जहेज के बारे में आपकी क्या राय है? कि एक लानत है ये। जी हम तो ऐसा नहीं सोचते, आप शौक से ये लानत हमें दे दें। अच्छा तो लानत हो आप पर। शुक्रिया। बेटा आपकी अम्मी बहुत मजाक करती हैं। हेलो बेटा आप जॉब क्यों नहीं करती? जरूरत नहीं है भाई, दो पैसे आते हुए किसको अच्छे नहीं लगते, मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करें तो घर अच्छी तरह चलता है। भाई मैं तो चाहती हूँ आप शादी के बाद जॉब करो, है ना बेटा? टिड्डे अमरूदों का ठेला लगा ले बेटा। क्यों आपकी बेटी की दुकान में नुकसान हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, माशाल्लाह मेरे बेटे की दुकान तो बहुत अच्छी तरह चलती है। अच्छा वैसे जहेज के बारे में आप बात की थी, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? बेटा वो तो आपका जहेज होगा, आपकी मर्जी होगी, और आपने तो इस्तेमाल करना है उसे। अच्छा ये जो ये घर है ये आपके नाम पे ही है ना? ये चाय रखे, तू बिस्किट रख दे बेटा। चाय रखे। मम्मी क्या हूं लगाई हुए, खड़े हो खड़े हो, वापस आ। वापस आ। ये क्या तरीका है बात करने का, किस लहजे में आप बात कर रही हैं हमसे? और कौन से लहजे में बात करूं? ये जो मैडम बच्ची मेरी कह रही है तो सुन नहीं रही तुम? ये टिड्डा लो और चलती बनो। चलो बेटा यानी बद लिहाज बद जुबान फैमिली से हमें भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। चलो शुक्रिया, थैंक यू। चलो दरवाजा उस तरफ। चलो ओ दरवाजा उस तरफ है। अम्मा आप भी कैसे कैसे लोगों को रिश्ते के लिए बुला लेती हैं। ये बताओ ये थे कौन? तो फिर अम्मा जान किसने बुलाया था इनको यहाँ पर? अरे हाँ देखो तो मैंने बेकरी वाले से एक डील बनाई हुई है कि जितने तेरे सड़े समोसे हों घटिया चीजें हों सब दे देना, इन्हीं लोगों को खिलाने के काम आती। आज तो आंटी वाला मामला हल हो गया, आगे सोच क्या करेगा? आगे की आगे देखी जाएगी। वो कराची में होते हुए तेरी बाइक अब तक साबुत खड़ी? लॉक करे गया था। अच्छा ये बता कि रुकू या जाऊं? नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं चल। अच्छा सुन थैंक्स यार, तू ना होता तो पता नहीं क्या करता मैं। वे पगले रुलाएगा क्या? कोई बात चल ऑफिस में मिलते हैं। कोई मसला नहीं है, ख्याल रख, ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा सुन भाभी को सलाम दे। अबे चल हट ना। छोड़ दिया तुम्हें पुलिस ने? हाँ वो जमानत हो गई। ये मत समझना कि मेरी जगह गए हो तो बहुत बड़ा कोई एहसान किया मुझे।
जो हुआ है तुम्हारी अपनी करतूत है। हाँ पता है मुझे। जमानत किसने करवाई है? तो उसके अब्बू वकील थे, उन्होंने मदद कर दी। वैसे वो जो पहले किया इकबाल के साथ वो गलत था, तो अगर आप कहें तो मैं वकील से बात कर सकता हूँ, हम इस दफा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ओ हेलो, वो कोई जरूरत नहीं है। इतनी दफा तुम्हें समझाया मेरे मामलात में ना टांगे ना अड़ाया करो अपनी। रिश्ते वाले आएगा? तुम क्यों पूछ रहे? वैसे ही बात पक्की हुई। अभी समझाया है मैंने तुम्हें, मेरे मामलात में ना मत पड़ा करो, तुम्हारा मसला है कोई, चलो। आए थे? क्या हुआ? भगा दिया मैंने। क्यों? बताओ तुम्हें क्या हुआ हमजा? अल्लाह माफ करे, वो लड़के की माँ अजीबोगरीब बातें कर रही थी। इतना मनहूस, सिर्फ समोसे पकौड़े सबको मुंह में ठूस रहा था। निकाल बाहर किया मैंने। बिल्कुल सही किया तुमने भगा के। बस एक बात कहूँ, मुझे ना समझ नहीं आती कि अम्मा ना मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई। मुझे नहीं करनी यार शादी। तो भी तो याददाश्त का मसला है ना। हाँ पर पता है दवाइयाँ खाती है ना, ठीक रहती है। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। ओ हेलो, तुम तो फ्री नहीं हो रहे हो? फ्री तो नहीं हो रहा, बस तसल्ली दे रहा था। अपनी तसल्ली ना अपने पास रख, जाओ यहाँ से। दो मिनट और खड़े हो ना किराया मांग लूंगी मैं। जाओ रेस्ट करो।